नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपने गुम हुए फ़ोन, चोरी हुए फ़ोन या कहीं आपका फ़ोन इधर उधर गिर गया है तो उसकी लोकेशन की पता कैसे कर पाएंगे। जी हाँ, अब आप ढूंढ पाएंगे अपना फ़ोन, चाहे वो चोरी हो गया हो, गिर गया हो या इधर उधर कहीं पर भी आपका मिसप्लेस हो गया हो या किसी ने ले लिया हो। तो दोस्तों उसके लिए आपको रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए ताकि यहाँ जो मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ वो आप ठीक से समझ सकें। दोस्तों ये बहुत काम की जानकारी है ताकि ज़रूरत पड़ने पर आप अपने फ़ोन का पता लगा सकें। लेकिन उससे पहले आपको अपने फ़ोन के अंदर भी कुछ सेटिंग पहले से ही करके रखनी पड़ेगी। जी हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मान लीजिए आज मेरे पास मेरा फ़ोन है और कल ये गुम हो जाए तो मैं सबसे पहले मुझे कुछ सेटिंग अपने फ़ोन के अंदर करनी पड़ेगी, उसके बाद ही मैं खोने के बाद अपना फ़ोन सर्च कर पाऊँगा। तो वो सेटिंग क्या है वो आपको उसके लिए जाना है अपने फ़ोन की सेटिंग के अंदर। सेटिंग में जाने के बाद आपको एक गूगल का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। सेटिंग के अंदर गूगल का ऑप्शन मिलता है तो आप गूगल के ऑप्शन पर जाइए। जैसे आप गूगल के ऑप्शन पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा फाइंड माय डिवाइस, ठीक है। अब यहाँ पर आपको फाइंड माय डिवाइस के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको ये ऑन करके रखना है। ये आपको ऑन करके रखना है तभी आप अपने फ़ोन की लोकेशन या कुछ भी चीज़ें जो मैंने आपको बताया वो कर पाएंगे फ़ोन गुम होने के बाद। तो आपको पहले से ये जो है ऑन करके रखना है। अपने फ़ोन की सेटिंग में जाकर गूगल पर जाइए और यहाँ पर फाइंड माय डिवाइस के अंदर इसे ऑन कर दीजिए। तो दोस्तों मान लीजिए आपका फ़ोन गिर गया है या चोरी हो गया है, अब आप उसको किस तरह से ढूंढेंगे? तो दोस्तों क्योंकि आपका फ़ोन तो अब चोरी हो गया या गिर गया है तो आपको अपनी फैमिली में से ही किसी का फ़ोन ले लेना है, अपने दोस्तों का फ़ोन ले लेना है, क्योंकि अब उसी पर आपको अपने गूगल ब्राउज़र को ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप किसी का भी फ़ोन ले लीजिए और उसके अंदर गूगल ब्राउज़र ओपन कर लीजिए। लेकिन उससे पहले आप अपनी जीमेल आईडी जो कि आपने अपने गुम हुए फ़ोन के अंदर जो डाली थी या रजिस्टर्ड कर रखी थी उसी आईडी को आपको इस वाले फ़ोन के साथ लॉगिन कर लेना है, ठीक है। जब आप इस फ़ोन के साथ लॉगिन कर लेंगे तब आपको गूगल ब्राउज़र को ओपन करना है। जैसे आप गूगल ब्राउज़र को ओपन करेंगे तो उसमें आपको यहाँ पर सर्च लिखना है और सर्च बार में आपको यहाँ पर लिखना है फाइंड माई डिवाइस, ठीक है। यहाँ पर आपको लिखना है फाइंड माई डिवाइस। तो जैसे आप फाइंड माई डिवाइस लिखेंगे तो ये पहला ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखेगा, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान देना है जो मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ, तो आप इस वीडियो के साथ बने रहिए। तो देखिए जैसे आप फाइंड माई डिवाइस पर लिखेंगे तो देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली जिस भी गूगल आई डी जो आपका पिछला फ़ोन जो चल रहा होगा जो गुम हो गया है तो वो फ़ोन जब आप इस आई डी के इस फ़ोन के अंदर उस आई डी को डालेंगे तो देखिए यहाँ पर बता देगा कि आपका कौन सा फ़ोन है। देखिए यहाँ पर रेडमी 5 मेरा फ़ोन आ रहा है और पीछे बैकग्राउंड में मेरे फ़ोन की लोकेशन भी आ रही है जो कि मैं चेक कर पा रहा हूँ, बिल्कुल करेक्ट लोकेशन है। तो इसी तरह से आपकी भी लोकेशन बता देगा, गली भी बिल्कुल आपको बता देगा कि किस गली में कहाँ पर आपका फ़ोन है, अगर मान लीजिए किसी ने चोरी भी कर लिया होगा तो, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको करना क्या है, तो यहाँ तो आप मैप से पता कर लेंगे कि आपका यहाँ पर फ़ोन यहाँ पर है। अब आप अपने फ़ोन के डाटा को किस तरह से सिक्योर कर पाएंगे, यानी कि मान लीजिए अगर आपका फ़ोन चोरी हो गया है तो आप चाहते हैं कि आपके फ़ोन का डाटा डिलीट हो जाए सारा और कोई उसका मिसयूज़ ना कर पाए, तो आपको देखिए यहाँ पर ये सबसे नीचे एक पॉइंट होता है इरेज डिवाइस, ठीक है। तो आपको इरेज डिवाइस के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इरेज डिवाइस के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इरेज डिवाइस का एक और ऑप्शन मिलेगा, ये आपको क्लिक कर देना है। इसे क्लिक करते ही जो आपके फ़ोन के अंदर जो डाटा होगा, जो आपका फ़ोन जो चोरी हो गया है, उस फ़ोन में से आपका सारा डाटा डिलीट हो जाएगा, ठीक है, और कोई भी आपके डाटे का मिसयूज़ नहीं कर पाएगा। इसी के अंदर आपको एक और ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि हमने अभी इरेज डाटा किया तो उसी में आपको एक ऑप्शन मिलता है सिक्योर डिवाइस, ठीक है। तो सिक्योर डिवाइस पे आपको यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एक मैसेज लिखने का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पर आप कुछ भी मैसेज लिख सकते हैं जो कि आप चाहते हैं कि जो भी बंदा आपका फ़ोन चुरा रहा है या जिस भी बंदे को आपका फ़ोन मिला है, तो जैसे ही वो फ़ोन को ऑन करेगा और उसके अंदर से सिम निकाल के या कुछ भी करने के बाद उसको ऑन करने की जो कोशिश करेगा तो यही मैसेज उसके पास सबसे पहले पहुंचेगा। तो आप यहाँ पर कुछ भी टाइप कर सकते हैं कि भाई मैं बहुत गरीब हूँ या मेरे पास पैसे नहीं है, प्लीज़ मेरा फ़ोन वापस कर दो, तो इस तरह का मैसेज आप यहाँ पर लिख सकते हैं और अपना एक ऑप्शनल मोबाइल नंबर भी यहाँ दे सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर सिक्योर डिवाइस के ऊपर क्लिक करेंगे तो जब भी कोई चोर या कोई भी बंदा जिसे ये फ़ोन मिला है तो वो इस फ़ोन को कभी भी अपने लिए यूज़ करने की कोशिश करेगा तो ये वाला मैसेज और ये नंबर उसको शो होगा, तो हो सकता है कि वो आपको फ़ोन आपका वापस कर दे। तो ये तो बात हुई कि किस तरह से आप अपने फ़ोन
की लोकेशन या अपने फ़ोन के बारे में आप पता कर सकते हैं, और आप अपने गुम हुए, चोरी हुए या इधर उधर आपका फ़ोन गिर भी गया होगा तो उसको आप ढूंढ पाएंगे। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए। अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों परिवार के साथ इसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपकी स्क्रीन के ऊपर सब्सक्राइब के लाल निशान पर टच करके और उसके बाद घंटे के निशान पर जो टच कीजिए, ये बिल्कुल फ्री होता है और आप इससे ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।